बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 11वीं कला एवं वाणिज्य, जिसके अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन के अंतर्गत हम समंकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जो समंक जो या आंकड़े एकत्रित हमने किए थे, वह किस तरह से हम उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि समंकों को एकत्रित किया था, किस तरह से किया था और किस तरह से विभाजित हमने किए थे। अब उसी को हम आगे देखेंगे कि जो हम समंकों का वर्गीकरण करेंगे उसको किस तरह से हम उसको आगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवृत्ति का वितरण। सबसे पहले ये है कि आवृत्ति क्या है। आवृत्ति मतलब किसी अंक का बार बार आना या फिर उसे व्यवस्थित ढंग से हम किस तरह से सारणी के रूप में उसको, जैसे कि समंकों के विशिष्ट निश्चित प्रकार से व्यवस्थित करके सारणी के रूप में हमको उसको निरूपण कर सकते हैं, आकार या आकृति को स्पष्ट कर सकते हैं। इसको हम आवृत्ति वितरण कहते हैं। अब आवृत्ति वितरण दो प्रकार के होते हैं, चर और तथा आवृत्ति। चर जो होते हैं वह अंकों में होते हैं, आवृत्ति जो होती है वह कितने बार रिपीट हो रही, कौन सी संख्या बार बार आ रही है वह होती है। तो चर वे संख्या अभिलक्षण जिनका मार्ग विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न होता है और मात्रा आकार जो घटते बढ़ते रहते हैं वे चर कहलाते हैं। जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, व्यक्तियों की आयु, भार, ऊंचाई, आयु, मूल्य, मजदूरी आदि, ये सभी चीज़ें जो हैं वह चर के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि व्यक्ति की लंबाई लेंगे, लंबाई जो है वह माप सेंटीमीटर में भी हो सकता है, आय जो है रुपए में हो सकता है, आयु जो है वह वर्षों में हो सकता है। अब इसके अंतर्गत जो है अखंडित और सतत चर। अखंडित मतलब जिसको हमने खंडित नहीं किया, वह कंटिन्यू चल रहा है, उसको सतत चर कहते हैं। जो चर निश्चित नहीं होता है, अर्थात जिसका अनिश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है, वह सतत चर कहलाता है। इसके अंतर्गत जो सतत चर वे हैं जो माप की इकाइयों में होते हैं और जिन्हें अनंत स्तरों में बांटा जा सकता है। जैसे तापमान की डिग्री भी हो सकती है, फिर दशमलव में भी हो सकता है, लंबाई इंच में भी और दशमलव में भी हो सकता है। इसी तरह से सतत चर के समंक और अंकों का हम ज्ञात किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि हम एक स्कूल के छात्रों की आयु जो है सतत चर है, क्योंकि एक निश्चित सीमा जैसे 5 से 15 के मध्य कोई भी मूल्य वर्ष महीना दिन भी हो सकता है। फिर है खंडित चर। खंडित चर क्या होते हैं? जिन चरों के मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं वह खंडित चर कहलाते हैं। इसमें हम विस्तार नहीं होता है, बल्कि यह एक निश्चित होता है कि इस मूल्य से इस मूल्य तक ही हमको उसे लेना है। तो जैसे कि इसमें आधी, चौथाई, दशमलव आदि नहीं होती है, बल्कि इसमें पूरा पूरा होता है। फिर आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति जो है वह किसी लक्षण या विशेषता के लिए समान मान वाली जो इकाइयाँ होती हैं संख्या, उस मान को हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे एक कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं जिनको 29 अंक प्राप्ति हैं, इसलिए चर जो मूल्य होगा वह 29 होगा, उसकी आवृत्ति जो है 4 होगी। जिस तरह से हमने आपको आवृत्ति में बताया था कि जो संख्या बार बार आती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि 28 कितने बार आया है, मतलब यहाँ 29 कितने बार आया, 1, 2, 3, 4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 29 कितने बार आया है, 1, 2, 3 और 4। तो ये हो गई आवृत्ति। इसी तरह से हम इन अवलोकनों को व्यक्तिगत अवलोकन की श्रेणी के रूप में, खंडित श्रेणी के रूप में और सतत श्रेणी के रूप में हम इनको देख सकते हैं। अब जैसे व्यक्तिगत अवलोकन की श्रेणी में ये पूरी जो दी हुई है ये व्यक्तिगत श्रेणी है, मतलब 1, 2 मतलब जितने हैं सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, तो ये 12 सदस्यों के ही जो है प्राप्तांक दिए हुए हैं, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगा। फिर अनेक सांख्यिक गणनाओं के लिए जो व्यक्तिगत अवलोकन की श्रेणी को क्रम में भी रख सकते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें देखा वह सतत श्रेणी है, तो वह व्यक्तिगत जो श्रेणी है पूरी व्यक्तियों की दी हुई है उस व्यक्ति को, तो हम या तो बढ़ते क्रम में भी रख सकते हैं या घटते क्रम में भी उसको रख सकते हैं। मतलब जिस तरह से हम पिछले उसमें देखा सारणी में, वैसे ही हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं और सीधा भी, मतलब बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। अब देखेंगे खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में जो है चर मूल्यों के अनुसार आवृत्तियों का विन्यास जो किया जाता है, उसके प्रत्येक पद मूल्य के सामने जो है वह संख्या आवृत्ति लिख दी जाती है, तो उस पद वह की वह क्या होगी, आवृत्ति होगी। इसलिए इसको हम खंडित
वितरण कहते हैं। इसके लिए हम देखेंगे 12 विद्यार्थियों के जो अप्राप्तांक हमने व्यक्तिगत में देखा है उसको ही हम खंडित श्रेणी में भी देखेंगे। जिस तरह से ये दिया हुआ है, पिछले उसमें हमने देखा वो कंटिन्यू दिया हुआ था, अब इसमें देखेंगे 25, 25 कितने बार दिया था, एक बार। 28 जो दिया था वह 3 बार है, 29 जो है 4 बार, जैसे कि उदाहरण में हमने आवृत्ति जो बताई थी। तो इसी तरह से ये पूरी संख्या लिखी हुई है, ये टोटल जो है हमें 12 विद्यार्थियों की संख्या जो है वह प्राप्त हो गई, मतलब ये पूरे जो हैं वह दिए हुए। फिर सतत या कंटिन्यू जो है वह जो आवृत्ति वितरण प्रत्येक चर मूल्य के अलग अलग ना होकर मूल्य के वर्ग बनाए जाते हैं उसको हम चर मूल्यों की संख्या में भी जिसे आवृत्ति कहते हैं उसको शामिल किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर जैसे 25 से 33 तक का दिया हुआ है, हम यहाँ 25 से 27 के बीच में 1 है, 28 से 30 के बीच में 7 हैं, 31 से 33 के बीच में 4 हैं। इस तरह से हमें ये देखिए 12 विद्यार्थियों की संख्या जो है हमें कंटिन्यू मिल रही है। ये खंडित श्रेणी थी, ये सतत श्रेणी है। सतत श्रेणी को जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हम इस तरह से करते हैं वैसी संख्या कहलाती है। अब श्रेणी के जो निर्माण संबंधी जो परिभाषिक शब्द है वह क्या है? सबसे पहले वर्ग, वर्ग या क्लास जो समूह या वर्ग बनाते हैं, जैसे कि हमने पिछले उसमें आपने देखा होगा जो व्यक्ति की संख्या लिखी हुई है वर्ग लिखा हुआ है उसको हम एक्स में दर्शाते हैं, ये क्या है वर्ग है। फिर वर्ग की सीमाएं 2 अंकों से बनता है, ये वर्ग जो है क्या है 2 सीमाएं कहते हैं, जैसे 0 से 10 ये जो है ये वर्ग की सीमाएं हैं। तो इसी तरह से दूसरी ऊपरी सीमा होगी और उसके उदाहरण के यदि 25, 28 और 31 है तो संबंधित निचली सीमाएं जो है 27, 30 और ये इस तरह से ये ऊपरी सीमाएं होंगी। फिर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या कहलाता है? ये 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है, अंतर जो होता है वह वर्ग अंतराल कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है 27 और 25 जो है इसका वर्ग अंतराल कितना है 2 है। फिर है मध्य मूल्य और मध्य बिंदु। मध्य मूल और मध्य बिंदु क्या होता है? जब हम जो मध्य जो हमारे मध्य स्थान को मध्य मूल या मध्य बिंदु कहते हैं, जो वर्ग सीमा इनके बीच का जो मूल्य होगा 0 और 10 की, इसका मध्य मूल्य क्या होगा? मध्य मूल्य जो है वह 5 होगा। अब 5 कैसे होगा? ये दोनों की संख्या में हम 2 का भाग दे देंगे तो वह क्या हो जाएगा? मध्य मूल्य निकल आएगा। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ देखो 25 से 27 है, ये दोनों को हमने प्लस कर दिया और इसका ये आ गया 26, इसमें हमने 2 का भाग दिया तो मध्य मूल्य क्या निकल आया 26। उसी तरह से फिर वर्ग आवृत्ति, समग्र में जिस चर की विशेषता यह होती है कि अंतर्गत वर्ग आवृत्ति बारंबारता कहलाती है। आवृत्ति जो है वह बारंबारता कहलाती, बारंबारता से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह संख्या जो है बार बार आ रही है, इसलिए उसको बारंबारता कहते हैं। जैसे कि 28 और 30 के बीच में 7 चर आते हैं, जैसे 28 और 30 की आवृत्ति जो क्या हुई 7 हुई, मतलब इसके बीच में जो अंक है वह सारे जो है कितने बार आए हैं 7 बार आए हैं। फिर है आवृत्ति वितरण बनाना, जो आवृत्ति वितरण है हम उसको किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मिलान चिन्हों के द्वारा, या फिर इसको टेली मार्क भी कहते हैं। अब इसमें ये 50 परिवारों का सर्वेक्षण जो है वह पाया गया है, प्रति व्यक्ति की संख्या जो है इस प्रकार है, जैसे 4, 3, 2, 6, 0, 1 इस तरह से ही संख्या दी हुई है, मतलब कंटिन्यू हमने वो परिवारों की संख्या गणना की है। अब यहाँ पर प्रति परिवार के जो बच्चे हैं, मिलान चिन्ह है, परिवारों की संख्या है, यहाँ पर हम देख लेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0 है और सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो इस तरह से हमने कर दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 कितने बार आया है, तो यहाँ पर 1 बार आया है इसलिए हमने 1 लाइन ही खींची है और यहाँ पर भी ये 1 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर हम दूसरे उसमें आप देखेंगे कि जो 1 है वह कितने बार आया है, तो 1 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये 9 बार है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इसको हम कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1 फिर ये तिरछी लाइन खींचेंगे, 5,
एक दो तीन चार, इस तरह से ये क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हो गया और ये टेढ़ी चिन्ह ये 9 अंक हो गया। इसी तरह से सारी संख्याओं को हम टेली चिन्ह के माध्यम से इनको एकत्रित कर लेंगे और तो ये हमें 50 बच्चे जो हैं उनकी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर हम देखेंगे संचयी आवृत्ति वितरण क्या है। संचयी आवृत्ति वितरण जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों के वर्ग के अनुसार अलग अलग ना होकर संचय के रूप में दी जाती और दोनों सीमाएं नहीं लिखी जाती है और साथ ही साथ केवल ऊपरी एक सीमा अर्थात ऊपरी सीमा या निचली सीमा लिखी जाती है। इसके विपरीत जब हम निचली सीमा के आधार पर संचयी आवृत्ति लिखी जाती है, जैसे अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, संचयी आवृत्ति निम्न प्रकार बनाई जा सकती है, जैसे 25 से 28 और 28 से 31, 31 से 34। 25 से 28 के बीच में आवृत्ति कितनी है, एक है। अब इसमें हमने क्या लिया, 28 से कम, और यहाँ पर फिर संचयी आवृत्ति क्या हुई, ये एक या यहाँ आ गई, यहाँ पर 25 से अधिक, तो इस तरह से हमारी ये संख्या आ गई यहाँ पर ये संचयी आवृत्ति। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम 28 से 31, इसमें 7 आवृत्त 7 हैं, 7 बार आया है, 28 से 31 जो अंक आए हैं वह 7 आए हैं। इसके अंतर्गत हमने लिए हैं 31 से कम, मतलब 31 से जो कम है उसको हमने इसमें लिए हैं, तो उसमें 8 ये एक जो ये है ये आ गया और धन 7, इस तरह से ये क्या हो गए, 7 और 1 8। इस तरह से ये सारी कंटिन्यू जो है ये संचयी आवृत्ति में, ये जब प्लस हम करते जाएंगे तो ये पूरी संख्या जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टोटल जो क्या है 12 आ गया है। यहाँ भी ये दिया हो, यहाँ पर जो है निचली आवृत्ति मतलब उसको संचयी आवृत्ति से अधिक करके यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों ये जो हमने सारणी बताई है इसको आप लोग को प्रैक्टिस भी करनी है, साथ ही साथ जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके आगे जो है वह हम आवृत्ति वितरण के बारे में और डिटेल में हम जानकारी देंगे।